ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। तो गाइज, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बुल्गेरियन ब्रूड रूसेव एंड उनके पॉपुलर चैंट रूसेव डे के बारे में। तो कुछ टाइम पहले हम सभी लोगों ने देखा कि किस तरह से रूसेव को फैंस की तरफ से अचानक से ही बहुत अच्छा सपोर्ट देखने को मिला जब उन्होंने WWE कंपनी में इंट्रोड्यूस किया रूसेव डे को, और वो सुपरस्टार जो कुछ टाइम पहले कंपनी का हिलुआ करता था उसे अचानक से ही बहुत अच्छा चीयर फैंस की तरफ से देखने को मिला। और सबसे कमाल की बात यह रही कि रूसेव कंपनी के हील सुपरस्टार थे लेकिन जो फैंस की तरफ से रिएक्शन उन्हें मिला करता था वो एक फेस वाला था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि फैंस की तरफ से रूसेव को इतना पसंद किया जाने लगा, और क्या है रूसेव डे के पीछे की पूरी कहानी, इस वीडियो में वही चीजें डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको देना चाहूंगा डीन एम्ब्रोस के बारे में एक छोटी सी अपडेट। तो आप में से कई सारे लोग ऐसे जो लगातार ही बोलते रहते हैं डीन एम्ब्रोस की कोई अपडेट। तो रिसेंटली डीन एम्ब्रोस और उनकी वाइफ को देखा गया था एक हॉकी गेम में, जहां उन्होंने अटेंड किया था लास्ट वेगस गोल्डन नाइट हॉकी गेम को, और वहां पर वो अपनी होम टीम को सपोर्ट करते हुए नजर आए थे। तो यहां पर लग रहा है कि डीन एम्ब्रोस भले ही इंजर्ड हैं लेकिन जो उनकी पर्सनल लाइफ है वो उससे काफी ज्यादा खुश हैं। लेकिन इतनी बात तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि डीन एम्ब्रोस भले ही खुश हों, वो रिकवर कर रहे हो, लेकिन यहां पर डीन एम्ब्रोस के जो WWE में उन्हें देखना चाहते फैंस उनका काफी ज्यादा बुरा हाल है। रूसेव ने WWE कंपनी के साथ आज से 7-8 साल पहले साइन किया, और उसके बाद कुछ साल बाद उन्होंने मेन रोस्टर में भी कदम रख लिया था। मेन रोस्टर में आने के बाद वो एक अनस्टॉपेबल मशीन बन गए थे। कोई भी सुपरस्टार जो भी उनसे टकराता था ऐसा हो ही नहीं सकता था कि रूसेव उनसे हार जाए। लेकिन फिर फाइनली उनकी फ्यूड स्टार्ट हुई जॉन सीना के साथ, और उस दौरान रूसेव को WWE के मेन रोस्टर में पहली हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद देखा जाए तो रूसेव का जो करियर है वो पूरी तरह से बिखर गया। WWE ने अलग अलग तरीके से यूज़ करने की कोशिश करी रूसेव को। हमने एक बार देखा वो लीग ऑफ नेशन फैक्शन का भी पार्ट थे, जहां पर अल्बर्टो डेल रियो, शेमस, रूसेव एंड बेट बैरेट थे, लेकिन फैंस ने उन्हें इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया। और कुछ टाइम बाद तो रूसेव की तरह किसी भी फैंस का ध्यान नहीं जाता था। फिर एकदम से हमने देखा कि रूसेव का पार्टनर बनाया गया एडन इंग्लिश को, और उसके बाद हमने देखा WWE में रूसेव डे। जब अभी रिसेंटली खुद पूछा गया रूसेव से रूसेव डे के बारे में तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर करके बताया, उनका कहना यह था कि बस एक ही बार का प्लान था, मतलब एक ही ऐसा सेगमेंट करेंगे, और वो भी इसलिए कि मतलब फैंस उन्हें और ज़्यादा हेट करें, मतलब उन पर हीट आए। क्योंकि अगर कोई सुपरस्टार बड़बोला होता है, हम देखें हील जैसे हम देखते हैं मिस को, वो अपने बारे में ज़्यादा तारीफ करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है फैंस इस चीज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, और ऐसे में उन्हें एक ऐसा हील और ज़्यादा सक्सेस मिलती है। तो रूसेव और WWE कंपनी का भी यही प्लान था। लेकिन जब उन्होंने रूसेव डे को इंट्रोड्यूस किया WWE में तो उन्होंने देखा बिल्कुल ही अलग तरीके से फैंस ने इस पर रिएक्ट किया, और जो वो चाह रहे थे कि उन्हें और ज़्यादा हीट मिले इस बारे में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और फैंस ने उन्हें रूसेव डे के नाम पर ही चीयर करना शुरू कर दिया। अब शायद आप लोगों को याद हो गया नहीं कि सितंबर अक्टूबर महीने में WWE में पहली बार रूसेव डे आया था, जब रूसेव ने रैंडी ओर्टन को सिर्फ 7-8 सेकंड के अंदर ही हरा दिया था। और उसके बाद अगली स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड में एक सेगमेंट प्लान था जहां पर रूसेव को सेलिब्रेट करना था रूसेव डे। हालांकि उस समय तो फैंस की तरफ से पहली बार इतना अच्छा सपोर्ट रूसेव के लिए देखने को नहीं मिला, और वैसे भी रूसेव डे बेकार चला गया था क्योंकि लास्ट में रैंडी ओर्टन ने आकर एडन इंग्लिश और रूसेव को अपना फिनिशर RKO हिट किया। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी लगा कि जो रूसेव डे सिर्फ एक बार के लिए प्लान था अब वो बदल चुका है एवरी डे इज रूसेव डे में। रूसेव ने भी अपने इंटरव्यू में कहा कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रूसेव डे के लिए मुझे ऐसा रिएक्शन फैंस की तरफ से देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि मैं कंपनी के साथ पिछले काफ़ी सालों से हूँ और फैंस की तरफ से मुझे एक हील के तौर पर लगा बू ही देखने को मिला है, लेकिन अब मैं काफी खुश हूं कि फैंस मेरे इस काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने यहां पर रॉक की बात भी कही, और उन्होंने कहा कि रॉक ने भी मुझे बताया था कि हमेशा तुम्हें खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं है, कभी तुम चुपचाप खड़े रहकर भी देख सकते हो कि क्राउड क्या कर रहे हैं। और अब मैं बात बिल्कुल सही तरीके से समझ सकता हूं कि द रॉक आखिर उस समय क्या कहना चाहते थे। अब पर्सनली मुझे भी यहां पर कुछ टाइम पहले रूसेव बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगने लगे थे, लेकिन जैसे ही वो रूसेव डे के साथ आए सभी को उनमें इंटरेस्ट आने लगा, और यही रीजन है कि फैंस की तरफ से भी उन्हें काफी अच्छा सपोर्ट देखने को मिला। अब मैं एक उम्मीद और करता हूं से यहाँ पर कि थोड़ा पुश भी करे रूसेव को, क्योंकि हमने देखा था उनकी मर्चेंडाइज भी काफी बिक रही है, सभी फैंस चाह रहे हैं रूसेव डे को। तो ऐसे में अगर WWE रूसेव को पुश करती है और किसी टाइटल पिक्चर में लाती है तो आई एम श्योर WWE कंपनी रूसेव के साथ यहाँ पर काफी अच्छा मुनाफा भी कमा सकती है। तो गाइस बस आज की वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि इस रूसेव डे के बारे में आपका क्या कहना है, और आपको आगे क्या लगता है कि रूसेव के साथ WWE को क्या करना चाहिए। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे चैनल पर इसी तरह से WWE की अपडेट्स, न्यूज़, रूमर्स और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहें। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।